हाथी 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 बंदर ने कॉल भी करी उधर आती If you are a fan of travel content and you like fun family videos, then Mile Chasers ko subscribe karna na bhule. Welcome back to the YouTube channel, everyone. You're watching Mile Chasers. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी evening safari है अभी तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं. But scene ये है कि हम थोड़ा सा late तो नहीं बोलूँगा, but on time है एकदम. एक्चुअली यार वही था कि सोए नहीं थे तो ना आते हम लोग सो गए. बाकी सारे लोग जो है ना वो चले गए अपनी सफारीज के लिए. अभी 2:04 हो गए हैं. 2 हमारे को उससे मिलना था, बट कोई बात नहीं यार, 5 ही लेट है, दैट्स ओके. निकलते हैं फटाफट और देखते हैं इस सफारी में क्या है हमारे लिए. ये अच्छी चीज़ है भाई, एकदम ना धूप बहुत अच्छी खिली हुई है यहाँ पर, और फिर भी ना ऐसी गर्मी अभी तक नहीं लग रही है. और आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग सिर्फ 5 में, मतलब 5 से उठ के रेडी हुए हैं. मेरे पास लेंस वेंस ला के एकदम, इतनी तेज मैं ज़िंदगी में नहीं हुआ कभी रेडी. बट ये था कि यार लेट ना हो जाए किसी तरह बस. फिर अपने सोनू भैया चले. सोनू भैया अच्छा गाइड चल रहे हैं मस्त, कोई है मैं आके बैठ जाऊँ फिर. 3-4 तो बचे हुए हैं, क्या आप बताइए. वे तो वेट करना पड़ेगा. आप जैसे बोलो, अगर चल रहे हैं तो फिर मैं पीछे ही बैठता हूँ. चलो जी. ये कैंटर इस टाइम भी आती है क्या? कैंटर हाँ सर. अच्छा मुझे लगा तो सुबह ही रहता है इनका. एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून. अच्छा आफ्टरनून भी रहता है, ओके. नमस्ते सर, आइए सर. अपना नाम बता दीजिए बस. मेरा नाम आपकी ध्यानी, आपका गाइड आपका साथ. चलिए सर कोशिश करते हैं फिर. तो आप पहले किधर चले गए? सर हमने ग्रासलैंड से ही शुरू किया. ये जो है ना सबसे ज़्यादा, जब ब्लॉग शुरू करो सबसे ज़्यादा ची 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 कह 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 जो है ये सबसे ज़्यादा वो ऊपर, मतलब ही नहीं परवाही नहीं. शेड्स लाना भूल गए हैं तो वो अपने शेड्स लाना भूल गए हैं तो आप मेरे को ब्लॉग नहीं करने दो. करो करो. तो अभी हम थोड़ा ग्रासलैंड का एरिया ढूंढ रहे हैं यार, क्योंकि सुबह यहाँ पे ना टाइगर के बोलने की आवाज़ आ रही थी. तो पहले यहाँ देखते हैं, उसके बाद अपना आगे के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 की सफारी होती है अली, 2-6 तक, तो टाइम काफ़ी है. लेट्स सी यार, लास्ट ईयर जब हम आए थे, जब हमारे को एक सफारी में 6 दिखे थे, तो यहीं पे यही ग्रासलैंड थे सारे, जो एक के बाद एक बीच बीच में ना क्रॉसिंग कर रहे थे ये लोग. कभी यहाँ कभी हम उधर थे, वहाँ पे क्रॉसिंग का उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा चल रहा था यार, बहुत ज़्यादा चल रहा था. हाँ दिखेगा, मैं फ्रेंकली बताऊँ मुझे लग रहा है कि नहीं दिखेगा. जिसको लग रहा है दिखेगा, शर्त लगाई. अरे फिर क्या बात है, क्यों लगाओ शर्त? हाँ मतलब दोनों तरफ जीत हमारी है. हाँ इसी तरह बोल रहा था. इस वाले एरिया में मेन फीमेल दोनों के हो सकता है, घर में रहे हो लंदन में. अभी वैसे यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा किसकी है, फीमेल की मेल की चल रही है? यहाँ मेल की सर. मेल की ज्यादा है? तीनों मेल ही है, जो बच्चे हैं ना. अच्छा उन्हीं की तीनों की मूवमेंट है. क्या पूरे टाइगर ही हो गए अब. हाँ तो उनका 3 के होने ही वाले हैं वो भी. हाँ 3 पूरा टाइगर ही हो गए, फुल टाइगर. बच्चे तो हम करे इतने छोटे छोटे से देखते हुए आ रहे हैं ना. वही लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे ना तो वही यहाँ पे दिख रहे थे, अब तब भी ऑलमोस्ट ग्रो नहीं थे, मगर अलग अभी हुए हैं. लास्ट ईयर दिखा था टाइगर? अरे लास्ट ईयर तो हमारे को एक सफारी में 6 दिख रहा है यहाँ. हाँ तो उस टाइम माँ के साथ थे नहीं? उसे माँ के साथ थे, वही होता था. ऐसे ग्रासलैंड में से ना कभी वो ग्रासलैंड वाली क्रॉस कर रही है, कभी बच्चे कर रहे हैं, तो वो चले जा रहा था काफ़ी बार. जब माँ घूमती है ना तो सब बच्चे बिंदास घूमते फिर विदाउट डर के घूमते हैं. अभी तो उसने माँ को ही खदेड़ दिया. माँ तो खदेड़ दिया उनमें, ये निकल गई. तो ये तो यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ के जो हाथियों का आगमन हो रहा है ना अभी, अब हो रहा है, आने शुरू हो रहे हैं अभी. तो इधर देख नहीं रहा, बहुत दूर खड़ा हुआ उधर. अभी ये अभी लाइट बहुत तेज है सर. अभी क्या है सर ने कि जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है तो हाथी बहुत लंबा माइग्रेट करता है. हाथी अंदर आगे कुछ नहीं अंदर. अब बहुत अच्छी बात है कि पूरे सभी के लिए, हमारे लिए, ऑल इंडिया के लिए टाइगर बढ़ रहे हैं, मतलब. ना जब टाइगर बढ़ेंगे तो भाई उनके लिए जगह भी तो चाहिए.
पहुँच लिए। कई गांव शिफ्ट भी हो गए सर, जो जंगल के अंदर थे ना पहले, काफ़ी पहले, तो डिपार्टमेंट ने शिफ्ट कर दिया गांव बाहर, तो लोग भी सुरक्षित और जंगल का भी एरिया बढ़ गया है ना। ये है अदरवाइज जंगल बहुत बड़ा है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है सर, छोटा मोटा जंगल नहीं है। सही बात है सर। और हाँ ये तो जितना अभी आपको पानी भी दिख रहा है ना, हाथी के बाद पानी दिख रहा है आपको, पूरा रिजर्वायर है आगे मैडम, तो ये रिजर्वायर भी पूरा ऐसे ग्रासलैंड खुल जाए लास्ट में नदी दिखेगी। बहुत सुंदर जगह है अपने आप में। तो उसके लिए बचा के रखो सर। अरे सर उसके लिए तो बचा के रखा ही हुआ है पूरा, ये चलता ही रहेगा सर, पता चल रहा है इन टाइम पे बैटरी डाउन पड़ेगी। ना ना एक्स्ट्रा बैटरी लेके चल रहे हैं सर, टाइगर के लिए तो बचा के रखी एक पूरी अलग। तीन चार बजे दिखा है ना, हाँ कल इसी तरफ दिखा है, क्योंकि थोड़ी ठंडक भी है ना इस जगह पर। सर भी चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर, यहाँ पे ठंडक है इस जगह पर, हमें भी अच्छा लग रहा, तो टाइगर को तो लगेगा ही। ये पूरा साल फॉरेस्ट है सर, पूरा बहुत अच्छा फॉरेस्ट है साल का। अभी सारा हुआ ना सीजन ऑफ फॉल, ऑटम है, सारे पत्ते गिरे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं दूर तक, ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना पत्ते गिरे हुए सर, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। देखो यहाँ कुछ भी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा फ्रेम बनता है, मतलब सही बात है। मैं अभी यही सोच रहा था अगर यहाँ दिख जाए तो क्या ही फ्रेम बनेगा। चांस ये भी कि अगर दिख गया तो अपने को ही दिखेगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं, गाड़ी हटाओ बचाओ, अरे तू बैठ जा तू खड़ा हो जा, ऐसा कुछ पर्सनल शो होगा हमारे लिए। हाँ ये इसलिए हम लोग मतलब चेक करने आते हैं कि यार क्या पता ऊपर नीचे नहीं है टाइगर, तो क्या पता ऊपर बैठा हो ठंडे में। वैसे भी जंगल भी देखने में बहुत, हाँ ये बिल्कुल बहुत सुंदर है यार ये वाला। आते जाते रहते हैं ना, चक्कर मारते ऐसे देखने के लिए यार, कमर पट्टा घूम गया। अरे आप तो वैसे भी गर्मी के दिन आ गए ना मैडम, ये ठंडा क्या इधर ठंडा नहीं, यहाँ हाथी बहुत मिलते हैं, कई बार टाइगर भी अच्छा मिलता है। कलर्स का दिख रहे हैं ना, लाइट पड़ रही है जो, यार इतनी बार डिकाला आ गए, इतनी बार कॉर्बेट आ गए, मगर हर बार उससे ज़्यादा सुंदर लगता है ये। ऑटम के टाइम में जो पत्ते गिर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा था, मतलब मैंने इतना सुंदर कॉर्बेट पहली बार देखा है, डिकाला इतना सुंदर नहीं देखा मैंने कभी जितना इस बार दिख रहा है। ये नहीं होता कि टाइगर दिखे ना दिखे, बट जो जंगल की ब्यूटी है, टाइगर तो एक बोनस होता है हमारे लिए, अदरवाइज जंगल लिस्ट एक कॉमन, हमारे लिए हमेशा आना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तब कॉर्बेट जो है ना रिजुविनेट कर देता है एकदम। बात ये लेकिन अभी इस टाइम कुछ होगा नहीं सर, अच्छा हमारी टाइम वेस्ट होगा, बन जाएगा। सुबह बता रहे हैं कि ये भी एक डेढ़ किलोमीटर का ट्रैक है, गाड़ी अंदर जाती है, ट्रैक है ना वहाँ पे, वॉच टावर है। अच्छा और वहाँ पे वाटर होल भी है मैडम। अच्छा वो गर्मियों में फायदा है फिर। चूहा पानी मतलब क्या समझे आप, थोड़ा सा पानी है। हाँ जैसे कोई बर्तन टपकता ना चूहा, ये कहते हैं हम बर्तन चू रहा है तो उससे चूहा पानी। क्या सोच के नाम रखे, नाम यहाँ पे सबके इतने सोच के रखे जाते हैं भैया, लेकिन ब्रिटिश टाइम के नाम है सर। हाँ लेकिन नहीं आप ये सोचो ना, जो टाइगर्स के नाम है, जैसे मैं आते हुए भैया से ही बात कर रहा था अंदर आते टाइम के, जो हम पहले आते थे बिजरानी जोन में, शर्मीली थी जो जो वो जो साइटिंग देती थी और उसका नाम शर्मीली रख दिया। नाम ऐसे थोड़ी रखते हैं सर, क्यों रखा? हाँ। उसका नाम शर्मीली क्यों रखा बताओ? पता नहीं आप बताइए। वो जो मार्किंग होती है ना, मार्किंग फॉरन,
मार्किंग जो हमारी पहचान के लिए होते हैं। जी जी जी। आप टाइगर तो सब टाइगर एक जैसे दिखते हैं। हाँ। नहीं दिखते क्या बॉडी पे मार्क? आम जनता को तो आपको सबको तो एक जैसा टाइगर दिखेगा ना, ये भी टाइगर वो भी टाइगर। लेकिन अगर कहीं टाइगर दिख रहा था वो उसका फेस देखते हैं, फोरहेड देखते हैं कि मार्किंग क्या है, हमने मार्किंग की पहचान की होती है। अगर पेड़ वाली है तो पेड़ वाली की मार्किंग कैसे होगी? पेड़ का डिज़ाइन बना होगा उसमें थोड़ा। अरे भाई दूसरी चीज क्या थी, कभी भी माइंड में मैं रावत जी है, अगर हम कह नहीं हमने मैडम लोगों को बिल्कुल सब लोगों को टाइगर ही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है, तो कभी कभी क्या होता है ना, तो टाइगर दिखता है। सही बात है। और ना आपकी सफर इंजॉयफुल होती है और ना आपको कोई नॉलेज मिलती है। ये हमारा वही रहता है सर कि जंगल घूमना है बढ़िया तरीके से, जंगल एंजॉय करो, टाइगर दिखना बोनस है। बट यार व्हाट ब्यूटी इज दैट, मजाक हो रहा है क्या, इतनी सुंदर, इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मतलब कुछ भी मिले, एंगल बढ़िया हो, फ्रेम बढ़िया हो, अच्छा दिखे, चाहे वो डियर हो, एलिफेंट हो या अन्य कोई भी जानवर हो। सही बात है सर। कहाँ निकल रहे हैं यार हम यूटी? हम तब आए तो अपनी गाड़ी ढिकाला ला के लगाते थे हम। लाई नहीं थी गाड़ी? हाँ हाँ, अपनी गाड़ी ढिकाला अंदर जाके लगाई थी। वो 2007-08 की बात है, वो ये 8-9 में बंद हुआ है तो। हाँ, वही 7-08 के टाइप में ही लाए थे हम लोग। ये जब ऐसे जीप रुकती है तो सिर्फ चुप होके एक बार जंगल की जो शांति है ना उसको सुनो। ये रामगंगा नदी है। ये कॉर्बेट की लाइफ लाइन है मेरा। जी, लाइफ लाइन मतलब पूरी वाइल्ड लाइफ जो है ना इसी पे डिपेंड करती है। तो सेटिंग कल शाम को मिला था टाइगर यार, बहुत अच्छा मिला। खैर हमें भी नहीं दिखा, वो टाइगर दिखा पर पेड़ में नहीं दिखा। उस पेड़ के चक्कर में हमने कम से कम इतने राउंड मारे होंगे यहाँ। टाइगर हमें अच्छे अच्छे दिख गए ऐसा नहीं, टाइगर बहुत अच्छे दिखे, बट बस वही है कि पेड़ पे नहीं दिखा वो, जब तक हम पहुँचे वो नीचे उतर गया। नीचे उतर गया। अगर जैसे कुछ किल विल करके बैठ जाते हैं ना अंदर जाकर, किलोल करके बैठ जाते ना। पानी है उसके आस पास लगाया होगा पानी के पास में, तो ये धीरे 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 फैल रहा है, तो मतलब काफी हाथी के लिए बंदर बोलेगा अंदर ही खड़ा हो। अभी जस्ट आती यहीं से क्रॉस करके राइट हैंड साइड पे गया, अंदर ही गया। टस्कर था बट छोटा बच्चा था अभी, तो अभी तेरी से भागा ना वो। सही बात है। घास बहुत बड़ी हो रही है ना, घास भी तो देखना जरा क्या ये बड़ी घास है। बहुत बड़ी घास हो रही है अभी तो। सही कह रहे हैं भैया, अभी टाइगर हाथी अंदर गया वो नहीं दिख रहा, टाइगर दूर तक कैसे दिखेगा? नजदीक पे है वो नहीं दिख रहा मैडम।
दो कट नीचे मेन रोड के लिए, नहीं तो अदरवाइज सीधा ग्रासवुड छोटा सा जाम ऊपर चढ़े थे जहाँ से मेरे सारे साल के पेड़ है, इतने लंबे लंबे इतने लंबे लंबे, और क्या बना हुआ है। ये हाथी नहीं गिराया होगा, हाथी ने ना। हाँ कॉरिडोर भी तो बनता है ना इनके यहाँ से पूरा। हाउ ब्यूटीफुल सन रेज आ रही है बीच में से, माय गॉड सो ब्यूटीफुल। डेरी बहुत बड़ी अच्छी है। हाँ 15 पाँच सात बार बोला हूँ है, ऑलरेडी अच्छी कॉल थी अलार्म कॉल, अभी टाइगर निकल के नहीं आया, अभी वेट कर सकते हो यहाँ पर। सर अभी उन्होंने जो इन्होंने बताया ड्राइवर आए थे साथ में कि कॉल हुई है सामने, कहते कुछ 7-8 बार अच्छी कॉल थी उसके बाद चुप हो गया, तो मूवमेंट तो हुई है या टाइगर की या लेपर्ड की। और अभी 4 बज गए हैं और यही टाइम होता है जब आपका 4:30 के अराउंड 5 के अराउंड टाइगर की मूवमेंट शुरू होती है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। बार्किंग डियर था, ईगल उड़ रहा है। अभी हमने सामने से देखा ईगल ने मछली पकड़ी, इसमें से पैरों में उसके दिखी, उसके बाद पंजों में सीधा इसके अंदर चली गई। सामने हमारे उठाई यहाँ से मछली। तुम भैया ने बताया वहाँ से 3-4 दिन पहले बोल रहे हो ना, वहाँ से आया था पानी में बैठा रहा, फिर ये क्रॉस करके पूरा आया पानी के अंदर से। अंदर से नहीं, आपको लगा होगा वो पानी के ऊपर ऊपर से आया, फिर जब दिखता है तो फिर लंबा दिखता है मैडम, ऐसा नहीं दिखता कि रोड क्रॉस करके चला गया। तो भी मूवमेंट का टाइम भी है ना उसकी। मूवमेंट का टाइम है बोल रहा सर। हाँ 4:30 हो गए बस, ऑलमोस्ट 4:30 हो गए ना बस, यही है टाइम। वेटिंग गेम स्ट्रांग होना चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए किस जगह रुक के कितनी देर वेट करनी है, तब फायदा है। सुनते हैं ना इसलिए रुके हैं, चलने चलने पता ही नहीं चलेगा, घूमते घूमते समय ना था, रुक के कॉल वॉल होती है तो पता चलता है कि भाई हाँ किस तरफ हो सकता है। अभी तक तो हमने सारी रोडें छान दी है ना। हाँ सब छाना है, दो दो बार छान दिया हमने। लाइट एकदम ना फेड आउट होती जा रही है, और ये टाइम होता है जंगल जागता है, हमारे को लगता है कि अब सोने का टाइम है लेकिन ये जंगल के जागने का टाइम है। क्या ब्यूटी है यार ये, ग्रासलैंड में। ये पूरा ग्रासलैंड वाला एरिया है जहाँ पे हम पहले भी थे, बट अब हम दोबारा इस समय के गोल्डन आवर चल रहा है और इस टाइम मूवमेंट अच्छी रहती है क्योंकि यहाँ पे 3 मेल टाइगर्स हैं जो इन ग्रासलैंड्स में घूमते हैं। तू आ गई। डस्टिंग हो रही है हाथी की, डस्टिंग वो सफाई के लिए उन्हें नीचे बिठा रखा है, डस्टिंग हो रही है हाथी। ऐसे ही ना ला रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा आ रहा है बट आ रहा है अटल जंगल बीचों बीच जंगल के अंदर। सामने हाथी खड़े हैं, इतने प्यारा फ्रेम आ रहा है ये वाला, उसी तरफ जा रहे हैं अभी हम। कॉल हो रही है। इधर कॉल हो रही है। वैसे पूरा होराइजन लग रहा है ना, क्या फ्रेम है ये। उंगली के पास उसे हल्का हल्का प्रेम है, जहाँ आपको क्लियर दिख रहा है हल्का हल्का, धीमी धीमी जहाँ साफ दिखाई दे रहा है, और उनको बस खरी इन चीज़ों की आदत पड़ती है। डिकाला का बेस्ट पार्ट है ये, जो लैंडस्केप्स हैं यहाँ पर, जो ये
ग्रासलैंड है, ऐसे हर्ड्स खड़े रहते हैं ब्यूटीफुल। सारी गाड़ियाँ निकल निकल के आ रही हैं अब, और पूरी सफारी में किसी को भी टाइगर साइटिंग तो नहीं हुई भाई, इंक्लूडिंग अस। एक हमारी गाड़ी थी और वो उनके उनसे मिलने के उसमें अभी आ रहे हैं ना, उनको बताते हैं अभी अभी निकला है यहाँ से, कह रहे हैं उस वाली गाड़ी में पांडे जी सब जानते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो खुद कह रहे हैं कॉल हुई है। अरे पांडे जी, अभी आपके साथ बात कर रहे थे हम लोग, उसी टाइम यहाँ से निकल गए। वहीं से निकला, अगर एक हमारे सामने गाड़ी थी वाली और हम पांडे जी से बात करने के लिए 2 मिनट रुके हैं वहाँ पर, और अगले वाली गाड़ी को दिख गया जिसके साथ हम चल रहे थे पूरा दिन। होता है होता है। चलो नो बैक टू टिकाला, तो टाइम हो गया 6 बजे तक वापस आना होता है वरना पेनल्टी लगती है। हे ठाकुर जी, ठाकुर बन ही गया, अब इसमें भी आते हैं। ठाकुर बना तो ठाकुर बन गया। ठाकुर जी की वजह से, आपकी वजह से हमारा टाइगर मिस हो गया आज। मैंने क्या किया तेरे वजह से? तू तो मिलने लग गया था जब भी पा रहा था अपने दोस्त को। तो भाई अभी यहाँ पर जो है सिर्फ 7:30-8 करीब टाइम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई 10-11 बज रहे हो, क्योंकि एकदम सुनसान है बाहर, जंगल है क्योंकि। बट देन मैंने कहा कि चलो यार वो वाला व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है कि ये वाला भी जो व्लॉग था टाइगर नहीं दिखा, बट देन हमने बहुत कोशिश करी दिखे और मज़ा बहुत आया। आई एम श्योर आपको भी आएगा, जंगल घूम के तो एटलीस्ट आया ही होगा। बाकी यार देखते हैं कल एक और सफारी हमारी बची हुई है सुबह की, अगर उसमें कुछ लक होता है तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं होता है तो भी हम खुशी से वापस जाएंगे क्योंकि हमारे को जंगल घूमने मज़ा आता है, टाइगर देखना हमारे लिए बोनस है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे। इफ़ यू लाइक इट फॉर एनी रीज़न, जैसे मैंने बोला लाइक ज़रूर करना है, बहुत हेल्प करता है हम लोगों को। मिलते हैं कल सुबह जिस पे हम दोबारा से एक सफारी पे जाने वाले हैं, तब तक के लिए माइल चीज़ों को सपोर्ट करते रहना। सी यू रेटा, बाय बाय इन द नेक्स्ट व्लॉग।